थोड़ा है, एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, इतनी मेहनत की 4 सालों से हमने फिल्म बनाने में, लिखने से बनाने तक, तो जाहिर है कि एक क्यूरियोसिटी रहेगी, ऑडियंस को पसंद आएगी कि नहीं, वो एक मैं देखना चाहता हूँ। बट एक 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 रिलीफ भी है कि ख़त्म हो गया, अभी सारा प्रोसेस हो गया मेरे, और अच्छा ही हुआ, खुश हूँ मैं फिल्म से, तो बहुत रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ मैं। फिल्म में बहुत मस्ती है, बहुत मजाक है, और तो काम करने के टाइम भी हम लोग हंसते रहते थे, जोक्स मारते रहते थे, और उनके जोक्स पे हम लोग हंसते थे, सीन्स को लेकर हम हंसते थे जैसे हम शूट कर रहे हैं। बट बहुत मेहनत जाती है फिल्म को लिखने में, ऐसे स्क्रिप्ट को लिखने में और बनाने में, और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ऐसे इसको ठीक करने में, तो मैं भी बहुत थक गया, तो फिर टाइम लगेगा ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लेकिन सोचने के लिए, बट बनाते वक्त बहुत मज़ा आया। फिल्म जो है बहुत क्वर्की है, बहुत फ़नी है, बहुत मस्ती वाली फिल्म है, और ये टाइटल भी वैसे कुछ मस्ती वाला, मतलब एक इंप्रेशन आता है, तो फिल्म का जो सुर है और जो टाइटल का जो सुर है वो दोनों मैच हुआ हमारे लिए। फिल्म का टाइटल पहले और कुछ था, जो हमने जब लिखा था कुछ और टाइटल था, हंसता था विस्ता बोल के था, तो वो मेरे और मेरे राइटर को छोड़ के किसी और को समझ नहीं आता टाइटल है क्या। तो करण जब आए और फैंटम ने बोला भैया ये टाइटल ऐसे मत रखो, कोई आएगा नहीं देखने के लिए, किसी को समझ में नहीं आएगा कि यह टाइटल क्या है, तो उन्होंने सही वो सही टाइम पर उन्होंने अपना वो इनपुट दिया, और फिर हमने फिर टाइटल्स बहुत सोचे, पर जो विकास बहल हैं फैंटम फिल्म्स के वो टाइटल एक्सपर्ट हैं, उनके मतलब टाइटल्स ऐसे निकलते हैं अच्छी अच्छी टाइटल्स, तो जो हंसी तो फंसी टाइटल था वो सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत उसको पसंद किया, और लगा कि ये फिल्म के साथ इसका अच्छा कनेक्ट हो रहा है, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्यों ये टाइटल लगा गया। इसमें धर्मा का कोई गलती नहीं, सब गलती मेरी है, मैंने बहुत काम करवाया है, और परिणीति नहीं सिद्धार्थ से, और सबसे मैंने बहुत निचोड़ा है सबको मैंने। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमारी रिलीज डेट फिक्स हो चुकी थी, और हमारा शूटिंग जब खत्म हुआ पोस्ट प्रोडक्शन के लिए टाइम थोड़ा कम हो गया था, तो हम राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे फिल्म ख़त्म करने के लिए, और उन बेचारों को प्रमोशन के दौरान आके डबिंग भी करना पड़ रहा था, तो रात को आपके प्रमोशन करने के बाद आके डबिंग करते थे, काफ़ी थकी होती थी, तभी मैं उनको पुश करता था क्योंकि हमें फिल्म तो करनी थी कंप्लीट और अच्छा ही करना था, और जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता कि ये बेस्ट किया हमने, जो हमारे से बेस्ट हो सकता है, तब तक मैं उनको बहुत नॉट जस्ट डबिंग बट शूटिंग के दौरान भी मैं टेक्स भी बहुत लिए, उनको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया मैंने, कि जब तक मैं खुश नहीं होता था मैं करते रहता था टेक्स, और वो भी मेरे से बहुत परेशान हो गए थे, ये कभी कब छोड़ेगा हमको। जैसे हर डायरेक्टर और एक राइटर के मन में रहता है कि यार ये एक्टर मेरे किरदार को प्ले करना चाहिए, तो हमारे इसमें भी हमारे साथ भी परिणीति हमारी फर्स्ट चॉइस थी, हमें एक 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 कार्टून की जरूरत थी जो लड़की एक हीरोइन का रोल प्ले करे, क्योंकि इसमें हीरोइन का वो कार्टून ज़्यादा है, बहुत क्लाउन जैसे ऐड करती हैं, बहुत मज़ेदार एक्टिंग है उनकी, बहुत कॉमेडी है, तो ऐसा एक्टर चाहिए जो कॉमेडी अच्छी तरह से कर सके, इमोशंस भी अच्छी तरह पुल कर सके, तो एक एक्टर की ज़रूरत है हमें, बहुत अच्छे एक्टर की, ऐसे नहीं कि हीरोइन चाहिए जो सुंदर दिखती हैं, ग्लैमरस दिखती हैं, इसमें मतलब ऐसा कोई ग्लैमरस था ही नहीं, मतलब बहुत एक्टिंग ओरिएंटेड रोल था ये, तो एक्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक्टर के लिए जो सेकंड फिल्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और उनका जो रिस्क है वो बहुत हाई रहता है, कि फर्स्ट फिल्म तो चल गया, सेकंड फिल्म में बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ऑडियंस से, और उनका इस फिल्म के साथ जो रिस्क लिया उन्होंने, कि जो अपने पूरे इमेज को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, जो इमेज खड़ा हुआ उनके स्टूडेंट ऑफ द ईयर को, उसको उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय किया, तोड़ा और एक नया किरदार प्ले किया, वो एक्टर के लिए बहुत उनके लिए बहुत रिस्क है, उनको गट्स नहीं होने ऐसे डिसीजन लेने के लिए, और उन्होंने वो किया इस फिल्म के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये सब किया इस फिल्म के लिए।